गाइस hey guys. आज हम दोनों एक साथ हैं क्योंकि आज संडे है तो सागर का है काम का छुट्टी। मैं कब का उठ गई, बस सागर ये लेटा हुआ है। मैं 7 बजे उठ गई, मैं थोड़ा सा घर का काम कर रही थी और मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी सागर के लिए और आज हम दोनों जाएंगे बाहर घूमने के लिए। मॉर्निंग के अभी 9 बजे है। देखिए वेरर्स, तो सागर अभी फलटा बन रहा है अभी। तो गाइस ब्रेकफास्ट तो हमारा नहीं हुआ, तो भी मैं बना रही हूँ खाना। बीन्स और आलू का सब्जी बना रही हूँ। देखिए सब्जी तो अभी हो रहा है, फिर चावल भी बना लिया मैंने। फिर सागर क्या कर रहा है देखो, ऐसे क्या कर रहा है, तुम भी काम कर रहे हो। बस ये सभी, इसको मैंने बोला कि तुम थोड़ा सा पोछा लगा दो, मैं खाना पीना बना रही हूँ। नहीं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी स्किप हो गया। कब हम लोग घूमने जाएंगे? ये पर्दा यहाँ पे लगाया था, ये यहाँ पे लगा दिया। तो गाइस अभी सागर खाना खा रहा है ये अंडे से और मैं वेजिटेबल। बस मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, सागर अभी तक नहीं नहाया है। वो बोल रहे मुझे भूख लग रहा है। थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लेती हूँ। रेडी हो चुकी हूँ देखिए, और सागर अभी तक रेडी नहीं हुआ है। मैं उसको भी चिल्ला चिल्ला के देख रही हूँ, जाओ रेडी हो जाओ। तो गाइस वी आर रेडी। क्या हंस रहा है पागल? तो गाइस सीधा मिलते हैं, लोकेशन पे। चुप गाइस, फुल लुक देख लिए मेरे। हाँ Okay. है पार्क में, ये खुद को बोल रहे हैं इसको खराब दिया तो क्या होगा, रुक जाएगा, क्या होगा। हे गाइस, तो आज हम दोनों आए हैं कोरियन रेस्टोरेंट में। मैं यहाँ का मेन्यू देख रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा वाला डिश ऑर्डर करूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम सब कुछ टेस्ट करूँगी, तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैं काफ़ी देर सोचने के बाद सागर ने बोला मुझे फ्राइड राइस खाना है, तो मैं उसके लिए कोरियन फ्राइड राइस ऑर्डर किया चिकन कॉम्बो में और मेरे लिए किम्बाब। काफ़ी ड्रामा में मैंने देखा है कोरियन लोग ऐसे ही किम्बाब खाते हैं इस स्टिक से, तो मैं उससे नहीं खा पाई। तो मैंने चम्मच से इसको ट्राई किया, इसका स्मेल बहुत ही ज़रा अजीबोगरीब था, इसका टेस्ट भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इसको नहीं खा पाई। तो मैंने पैक करवा लिया और सागर का जो फ्राइड राइस मैंने टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा था ये कोरियन फ्राइड राइस। और मैं इसको खाने का ट्राई कर रही थी बट मेरे से नहीं हो पाया। बट ये रेस्टोरेंट देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। फिर हम लोग उसके पास से एक दुकान में गए, वहाँ से मैं मॉर्निंग के ये क्रीम चीज़ ख़रीदा, मेरा फेवरेट है। और मैं अपने वाले दुकान में गई, यहाँ से मैंने अपना फेवरेट पेस्ट्री खाया वेनेला फ्लेवर। मैंने सागर से भी पूछा वो खाएगा क्या, बट उसने बोला नहीं खाऊंगा, मेरा पेट फुल है ऑलरेडी। हम लोग और एक रेस्टोरेंट में आए, ये रेस्टोरेंट हमेशा सागर और मैं बाहर से देखते थे, सोचते थे कि एक दिन आएंगे और फाइनली आज आ गए इसका अंदर। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और इसका मैं मेन्यू देख रही थी यहाँ पर सस्ता वाला खाना कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सस्ता वाला खाना कौन सा है गाइस मैं आप लोगों को नहीं खाया, यहाँ पे खाऊंगी क्या मैंगो ब्रश शेक। गाइस ये सोच रहा है कि इसको लड़की लोग देख रहे हैं। नॉनसेंस, ये नॉनसेंस बोला, तू खुद ही बोला ना कि तुझे। मैंने ऑर्डर किया है मोमोज 199 रुपीस का। मुझे नहीं पता था कि डम्पलिंग्स मतलब मोमोज है, बट ये मोमो काफ़ी ज़्यादा ही यम्मी था, जूसी था और मेरे से ज़्यादा खाया भी नहीं गया, तो मैंने सागर को दे दिया। बेचारे का पेट फुल था, फिर भी उसने मनी वेस्ट हो जाएगा इसके लिए उसने भी खा लिया। और अब से हम दोनों ने ठान लिया कि कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे, चाहे जितना भी मन करे बाहर से देख के खुश हो जाएंगे। मैं यहाँ पे QI में अभी सोच रही थी, मतलब यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा महंगा है, होगा ही क्योंकि रेस्टोरेंट देखने में
बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और खाने का टेस्ट भी यम्मी था। बट हम दोनों के लिए ये सब नहीं बनाया है, हम दोनों घर का खाना खा के खुश हो जाएंगे, क्योंकि पैसा बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके हम दोनों कमाते हैं और सेव भी करना पड़ता है, तो ऐसे हम दोनों फिजूल का खर्चा तो नहीं कर पाएंगे। दो पल की ज़िंदगी है, छोटा मोटा सपना सबको देखना चाहिए और पूरा भी करना चाहिए। आज के लिए इतना बड़ा सपना तो हम दोनों ने पूरा कर लिया, आगे से और सपना नहीं देखेंगे, नहीं तो घर का राशन और रेंट नहीं दे पाएंगे। गाइस आज के लिए इतना ही बस। तो गाइस मेरे भाई के लिए किम्बाब लेके आई, कैसा लगा? घटिया। नानी के लिए मिठाई लेके आए हैं, बिस्किट हमारे लिए। तो गाइस मम्मी के घर से अभी जस्ट मैं घर आई हूँ, अभी मुंह धोया मैंने, अभी थोड़ा सा बस बैठी हूँ यहाँ पे, और मैंने वहाँ से है बिस्किट टेस्टी, तो थक गए हैं, अभी आराम करेंगे, मॉर्निंग को मिलते हैं। ये बंदा तो सो गया फोन ऐसे रख के। मॉर्निंग को मिलते हैं गाइस। तो मैं कब उठ गई हूँ, मैं करीब 6 बजे उठी और फिर सगर को काम में भेजा खिला के। तो सबसे पहले पेट पूजा हो जाए, उसके बाद हम लोग काम करेंगे, क्योंकि काम करने के लिए एनर्जी का ज़रूरत होती है जो मेरे अंदर अभी नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया है।